हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं कूल कैरेक्टर और डूडल को एक साथ बनाएंगे और एक पेंटिंग बनाएंगे जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। और गाइस, इस पेंटिंग में मैं यूज़ करने वाला हूँ एक टाइप के मार्कर्स यूज़ करने वाला हूँ जो कि है सेम लाइक कॉपिक्स, मतलब कॉपिक्स जैसे ही मैं एक मार्कर यूज़ करने वाला हूँ जो कि आपको बताऊँगा ना, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, तो जाके चेक कर देना उस मार्कर्स को। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश नगाटे, आप देख रहे हैं ऋषिकेश नगाटे आर्ट्स। तो लेट्स गो टू वीडियो। स्टार्ट करने से पहले हमको एक ड्राइंग बुक चाहिए जो कि है एक A4 साइज ड्राइंग बुक चाहिए हमको। तो जैसे उस ड्राइंग बुक को टेबल पर ला देते हैं हम लोग। सो 1 2 3। सो गाइस, ड्राइंग बुक आ चुकी है, जंबो कार्ट्रेज ड्राइंग बुक जो कि A4 साइज की। सो स्केच बनाने का है तो हम लोग एक पेज निकालेंगे और स्केच बनाएंगे। सो लेट्स ड्रॉ द स्केच। I'm always fresh with it, on my best with me, you ain't stressing me. Listen to her with me, made up prepare really. They can step to me, my rabbi's mad, they said. You don't wanna F with me, I'm always fresh with it, on my best with me, you ain't stressing me. Listen to her with me, made up prepare really. They can step to me, my rabbi's mad, they said. You don't wanna F with me, I'm always fresh with it, on my best with me, you ain't stressing me. Listen to her with me, made up prepare really. They can step to me, my rabbi's mad, they said. You don't wanna F with me, I'm always fresh with it, on my best with me, you ain't stressing me. Listen to her with me, made up prepare really. They can step to me, my rabbi's mad, they said. You don't wanna F with me, I'm always fresh with it, on my best with me, you ain't stressing me. Listen to her with me, made up prepare really. सभी इंक करने का है, तो इंक करने से पहले गोइज एफ फाइन लाइनर को, मतलब जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको शेक करना पड़ेगा। सो लेट्स शेक इट। अरे शेक करो भाई साहब, थोड़ा रुको, साथ में देता हूँ।
lyrics. I'm gonna make it burn.
make the earth wait. सो गाइस हमारी पेंटिंग हो चुकी है कंप्लीट, तो मैं अभी पता देता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ कैसी है वो पेंटिंग। और एक डूडल मैंने बनाया था, मैंने स्टोरीज में भी डाला था कि मैं कैरेक्टर और डूडल को एक साथ रिप्रेजेंट करूँगा इन अ पीस ऑफ पेपर। सो मैं बता देता हूँ कैसी दिखती है वो ड्राइंग। सो ये है एक बड़ा बुक, तो मैंने बताया था आपको फर्स्ट में कि ये ड्राइंग A4 साइज ड्राइंग कार्ट्रेज बुक है। अगर आपको नहीं पता है A3 और A4 क्या होता है, तो ये है A3। A3 मतलब छोटा पेपर रहता है, छोटे साइज का। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये A4 होना चाहिए और ये पेपर A3 होना चाहिए। सो अभी मुझे पता नहीं, तो ये A3 पेपर है जो कि नॉर्मल ड्राइंग बुक्स में आता है, और ये है A4 साइज का पेपर जो कि है लार्जर देन दिस पेपर। सो ये पेंटिंग बता देता हूँ कैसी है ये पेंटिंग। मतलब मैंने एक स्पेशल टाइप के कॉपिक्स ने मैंने मार्कर्स यूज़ किए थे स्पेशल टाइप के, जो कि ब्लेंड भी बहुत अच्छी करते हैं। तो मैं बता देता हूँ, ये है वो पेंटिंग जो कि मैंने बनाई है अभी। तो ये रही वो पेंटिंग, इसमें एक साइड में डूडल है और एक साइड में कैरेक्टर। सो मैंने दोनों को ऐड किया और एक पेंटिंग बनाई पीस ऑफ पेपर। सो आपको देख सकते हैं, पर इधर थोड़े मतलब पेपर में गंदगी फैली हुई है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो पर्पल कलर गिरा था मेरे हाथ से ब्रश पेन का, और इधर भी थोड़े पैचेस आए हैं और इधर भी। सो प्रॉब्लम हुई थी बहुत ये इसको करने में, और इधर ब्लेंड भी होने क्योंकि ये वाटर बेस्ड कलर्स है। सो आप देख सकते हैं इस पेज के पीछे कितने कलर आ चुके, इस पेज के पीछे कितने कलर्स, मतलब डार्क है ये, वाटर बेस्ड है इसलिए प्रॉब्लम होती है बहुत। सो मैंने कैसे भी इसको ब्लेंड कर लिया था। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ मेरे न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के। सो गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।